ये वीडियो हर इंसान को शेयर करना होगा, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, अफगान हो या बांग्लादेशी, भूटान से हो या नेपाल से, जो भी हिंदी भाषा को समझता हो, जिस किसी के दिल में इंसानियत हो, इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। हाथ जोड़कर विनती है। हमें समझना होगा कि जो चीजें हम खाते हैं, हमारा भोजन, द फूड वी ईट, वो राशन की दुकानों और सुपर बाजार से नहीं आता। द फूड वी ईट डजंट कम्स फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर्स। हम जो खाते हैं वो खेतों से आता है। 2011 एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया की माने तो भारत की आबादी का 61.5% हिस्सा खेती पर, कृषि पर निर्भर है। 61.5% आबादी की रोजी रोटी खेती से चलती है, और खेती करने के लिए चाहिए होता है पानी। इतिहास में जितनी भी शक्तिशाली और संपन्न सभ्यताएं हुई हैं, सभी के अवशेष किसी नदी या किसी पानी के स्रोत के किनारे ही पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जल है तो जीवन है, या ये कह लें जल ही जीवन है। अगर जल ना हुआ तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं हुई तो किसान नहीं रहेगा, किसान नहीं बचा तो भारत की 61.5% आबादी की रोजी रोटी चली जाएगी, और बाकी बची 38.5% आबादी भूखी मर जाएगी। नासा की एक सैटेलाइट, एक उपग्रह, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, ग्रेस ने कुछ ऐसे डरावने संकेत भेजे हैं जिससे मानव जाति और खासकर भारतीयों को जबरदस्त खतरा है। नासा की सैटेलाइट ग्रेस ने जो डेटा भेजा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नॉर्दर्न इंडिया के ज्यादातर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस डिप्लीट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। जमीन के अंदर पानी का स्रोत लगभग खत्म हो चुका है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश सही समय पर हो नहीं रही, और जो हो रही है वो कंक्रीट के जंगलों से टकराकर नालों में बह जा रही है। जमीन के अंदर बारिश का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा। ध्यान से सुनिए, धरती का 97.5% पानी समुद्र में है जो खा रहा है, बाकी 1.5% पानी बर्फ के रूप में पृथ्वी के दोनों ध्रुव पोल्स पर है, बचा मात्र 1% पानी नदी, झीलों, झरनों और कुओं में है, मात्र 1% पानी जो पीने लायक है। इस 1% पानी का 60वां हिस्सा खेती और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में खपत होता है, बाकी का 40वां हिस्सा पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने एवं साफ सफाई के लिए मिल पाता है। आज की स्थिति बता रहे हैं आपको, इस धरती पर रहने वाले चाहे किसी देश का निवासी हो, पर 10 इंडिविजुअल्स 2 डू नॉट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हर 10 व्यक्ति में से 2 को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पाता, ये आज की स्थिति है। इस जल संकट, वाटर क्राइसिस को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल वार्मिंग जारी की है, चेतावनी दी है कि 2040 तक दुनिया में पानी की इतनी किल्लत होगी कि हर 4 में से 1 बच्चा प्यासा रहेगा। भारत में तकरीबन 70% जल प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है, जिसकी वजह से पानी की गुणवत्ता के सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। जल संकट विशेषज्ञ वाटर क्राइसिस साइंटिस्ट कनाडा की माउथी बार्लो की माने तो सन 2030 में पृथ्वी की जनसंख्या में 3 अरब नए लोग और जुड़ चुके होंगे, 80% और अधिक पानी की आवश्यकता होगी, दरकार होगी। कोई नहीं जानता यह अतिरिक्त, यह एक्स्ट्रा पानी आएगा कहां से। पहले जब पॉपुलेशन कम था तब गंदगी भी कम हुआ करती थी, और नदियां अपना उपचार, अपना ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट खुद कर लिया करती थी, लेकिन अब गंदगी की मात्रा में इतना इजाफा हो गया है कि उससे बोझिल नदियां अब ऑटोमेटिकली अपना खुद का रिपेयर नहीं कर सक रही है, गंदगी का निपटारा नहीं कर पा रही। पहले लोग नदियों के किनारे जाकर कहते थे कि ये नदियां हमारे तन और मन को धो देती हैं, हमारे पाप तक धो देती हैं, पर अब यही नदियां हमसे रो रो कर कह रही हैं, मुझे बचा लो, मुझे और गंदा मत करो, मुझे बचा लो। और हम रोज दिन और रात इन नदियों में टनों टन कचरा डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। हमें क्या होना है, हमारे पास तो भरपूर पानी है, पैसा है तो पानी है। जब मन चाहा टैंकर खरीद लिया, जब मन चाहा बोर करा लिया। मेरी जमीन पर बोर है ना, मैंने पैसे खर्च किए हैं तो पानी भी मेरा। मैं एक बोर करूं, दो बोर करूं, किसी को क्या मतलब, किसी को कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए।
जितना मर्जी पानी खींचूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोर मेरी जमीन पर है ना। अंडरग्राउंड वाटर लेवल गिरे, हमें क्या, हमें तो पानी मिल रहा है। बाहर में जाए अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर सोर्स, सूखना है सूख जाए, पैसे हैं हम खरीद लेंगे पानी बाहर से। इसी सोच ने आज भारत के किसानों को फांसी के फंदों पर लटकने को मजबूर कर दिया है। पंजाब, 5 आबों वाला स्टेट, 5 नदियों वाला स्टेट, आज नदियों में किसान कूद कर खुदकुशियां कर रहे हैं। पंजाब, 5 नदियां होने के बावजूद आज खुद ग्राउंड वाटर सोर्स यानी कि बोरवेल्स पर ही निर्भर हो गया है। देश के कुछ हिस्सों में भूजल स्तर 1 मीटर प्रति वर्ष की दर से गिर रहा है। अगर अब नहीं रुके दोस्तों ये बोरवेल्स, तो पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। त्राही त्राही तो मच भी चुकी है, इन बोरवेल्स ने धरती का सीना छलनी कर दिया है, कतरा कतरा चूस लिया है पानी का। और हम इंसानों ने इस अंडरग्राउंड वाटर सोर्स को रिचार्ज करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं, सब कागज पर। विकास के नाम पर अंधाधुंध काटे जा रहे हैं सड़क किनारे के असंख्य पेड़, सीमेंटेड सड़कों का जाल, कंक्रीट के जंगल और उन्हें बनाकर बेचने वाले दलाल। भूमाफिया तालाब के किनारे तक की जमीन को नहीं बख्श रहे हैं, रिहायशी इलाके बना दे रहे हैं वहां। अब आप ही बताइए कैसे जाएगा बारिश का पानी जमीन के अंदर। पानी जितना भी गिर जाए जमीन के अंदर नहीं जाएगा। हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी दोस्तों, हमें पानी की कीमत को समझना होगा। एक SUV, एक कार को धोने के लिए मात्र 2 बाल्टियां और 2 सूखे कपड़े ही काफी है। नहाने के लिए शावर के बजाय 1 बाल्टी इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी 1 बाल्टी पानी ही लगेगा। पानी बचाइए, नहीं तो महाराष्ट्र जाकर देखिए, मराठवाड़ा जाकर देखिए किस कदर महिलाएं जूझ रही हैं। 1 बाल्टी पानी के लिए खुद इस तपती धूप में अपने दूध मुहे बच्चों को कमर में लटका कर और रोज मिलो चलती है। और हम अपने घरों में RO वाटर के लिए 1 बोतल पानी के पीछे 3 बोतल पानी वेस्ट कर देते हैं। अगर इंसानियत है दिल में तो पानी व्यर्थ न बहाएं। इतनी इंसानियत होनी चाहिए दिल में कि जब एक किसान का परिवार पानी के लिए तरस रहा हो तो आप कम से कम अपने स्विमिंग क्लब की मेंबरशिप तो कैंसिल करवा ही सकते हैं। याद रखिए, पानी नहीं हुआ तो गांव नहीं होंगे, गांव नहीं हुए तो अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो शहर कैसे बसेगा। याद रखिए, भविष्यवाणी हो चुकी है, अगला युद्ध तेल को लेकर नहीं पानी को लेकर होने वाला है, और वाटर वॉर शुरू होने वाला नहीं, शुरू हो चुका है। पानी की कमी के चलते महाराष्ट्र के लातूर जिले में टकराव को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 कई बार लगाई जा चुकी है। पुलिस तैनात की गई थी ताकि पानी के सोर्सेस के पास लोग ग्रुप्स में इकट्ठे ना हो। इंसान को पानी बचाना होगा, नहीं तो इंसान का बचना मुश्किल है। ये वीडियो हर इंसान को शेयर करना होगा, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, अफगान हो या बांग्लादेशी, भूटान से हो या नेपाल से, जो भी हिंदी भाषा को समझता हो, जिस किसी के दिल में इंसानियत हो, इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। हाथ जोड़कर विनती है, धन्यवाद।